एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी में स्थित पिपलोती खुर्द गांव पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 23 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सितारा हैं। लगभग 1265 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 288 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वह विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सिसिटाइज रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 313 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, सिसिटाइज रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति मोहब्बत अली सलमा प्रधान और जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर, ब्लॉक रहरा, विधायक गंगेश्वरी, और हमारी एक 14वीं वित्त की किस्त रोक की गई। 28 गांव हैं गंगेश्वरी ब्लॉक में जिनकी किस्त नहीं आई है अभी। ना हमारे गांव में कोई पंचायती घर है, ना आवास बने हैं, जैसे एम प्रधान बने हैं। काफ़ी 500 लोगों की संख्या में गरीब गांव में रह रहे हैं और कोई आवास नहीं है। खाता क्या हो, 14वीं वित्त की किस्त रोक दी गई है। खाता तो चालू है, 14वीं वित्त की जैसे नए सेक्रेटरी बदले तो हमारा पैसा गंगेश्वरी ब्लॉक से वापिस हो गया।